चैनल। तो स्टार्ट हो चुका भाई हमारा डे 4 75 हाइट का और मौसम बहुत ही कहरा भरा हो चुका है। तुमको देखो, देख रहे हो तुमको वाइट मौसम पूरा कोहरा भरा हो चुका है भाई। सुबह हमारी नींद बहुत बेहतरीन तरीके से खुल चुकी है, फ्रेश तरीके से फ्रेश भी होके तुम्हारा भाई जा रहा है अब जिम। आज घर पे वर्कआउट नहीं करेगा बिकॉज आज हमारे पास टाइम है तो हम जा रहे हैं जिम, देखते जिम में क्या सीन है। और मस्त मौसम हो रहा है, सुबह से गाय भी आ गई हमारी एक और दोस्त। रोटी खाना है तुम्हें? रुको लाते। तो अभी चलते हैं जिम हमारा पहला वर्कआउट चालू करने। पहला वर्कआउट चालू करके फिर बताते हैं आपको कैसा क्या रहेगा। आज मानेंगे बैक, इच्छा हो रही थी बैक मारने की, कल हमने घर पे आर्म्स भी मारे थे। हाँ तो बैक मारते, बैक के साथ जो भी एक्सरसाइज करनी होगी हम वो करेंगे, साथ में थोड़ी सी एब्स भी मारेंगे बिकॉज हमारे पेट का सवाल है। और एब्स मारने के बाद फिर आप आएंगे घर, घर में आके देखते फिर आगे टीम बनता है और उसके हिसाब से हम आगे के टास्क करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे। जय श्री राम, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मौसम पूरा कोहरा भरा हो रहा है भाई, देख रहे हो तुम केड़ा कोहरा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा सारी जगह पे। जय श्री राम, चलते हैं जिम देखते हैं क्या होता है। चुके आप घर, काम धाम निपटा के हो चुके फ्री, ऑर्डर कर दिए खाली अपन ने पानी की, ठीक है। कितनी भयंकर आज फ्लाइट आ गई। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई अब हो गए हम फ्री, बैठ के अब करेंगे वीडियो एडिटिंग। अभी तक कुछ ऐसा सीन तो नहीं है, बाकी अभी इसके बाद जाएंगे हम शाम को रनिंग करने क्योंकि सुबह का आज वर्कआउट हो गया था जिम जाके। और जो दूसरा वर्कआउट है हम शाम को जाएंगे रनिंग करेंगे, स्किपिंग्स करेंगे वहाँ पर, थोड़ा सा देखेंगे एक्सरसाइज करने का होगा तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे। बाकी शाम का वर्कआउट का सीन कुछ ऐसा रहेगा। और अभी तो हम खाना ना खा के फ्री हो जाएंगे, खाने में डाइट भी आपको बताइए जो डाइट रहती नॉर्मल सी वो ही रहेगी, जो अपन घर में खाना खाते हैं ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। तो खाना ना खा के मिलते हैं। और अभी प्रोटीन इनटेक हो नहीं पा रहा इतना कि नवरात्र चल रहे हैं, अंडा वगैरह खा नहीं सकते हैं उसके चलते। और अब कीचड़ में पत्थर मारो तो तो गाइस हम आ चुके अपना सेकंड वर्कआउट करने जो कि है
हमारा रनिंग और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज और साथ में हमारा एक और सुडोल भाई सुडोल भाई हमारे साथ है। सुडोल ऐसे कर रहे हैं। अरे इधर तो अब यार शर्माता है भाई, ये बहुत पता नहीं क्यों है। सुडोल कोई आदमी शर्मा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं भाई बढ़िया, अपना रनिंग स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है भाई, बलडाना मत बस अक्कू अक्कू उड़ जाती है आगे चल के, बलडाना मत उसे हमारा भाई। अरे बाप रे, ठीक हो गया ये शर्मा रहा था पता कैमरे में आने से। ये देखो गाइस हमारे यहाँ के बच्चे, इन लोग को भी स्किपिंग कराया। तुमने कितनी मारी अभी तक? मारी नहीं। इसने मारा कितनी मारी तुमने? 150। ठीक है ठीक है, तो कल तुम लोग सब लोग मेरे साथ आना दौड़ने, अपन दौड़ने में। ठीक है ब्लॉग बोल करूँ कटनी की जवान में। ठीक है ठीक है भाई, बड़ी दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ मैं, अभी तो अच्छी दिखती हूँ। देखा बच्चों की बात मानना चाहिए, बच्चों में भगवान होते हैं। सही बता, तुम बताओ नहीं कुछ, मैं बड़ी दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ कि छोटी करा दूँ? अभी जैसे रखी वैसे ऐसी रख रहा हूँ। हम लोग आएंगे क्या कल ब्लॉग में? तुम लोग आओगे ना, ये ब्लॉग ही तो बन रहा है मेरा, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मेहनत हमारा हमारे का पहलवान है कुश्ती का, इसका पापा ने इसको दिन रात अखाड़े की मिट्टी खिला खिला के छह पे खत्म हो गया ना। अबे यार अक्कू कौन सा अखाड़े जाता था अक्कू तू? भाई कोई अखाड़े नहीं गया मैं आज तक भाई, पता नहीं ये अखाड़े की मिट्टी कमजोर पड़ गई इसके। एक बंदर वहां पे कूद रहा है। कर ली भाई अपनी प्रैक्टिस। अबे भाई की जाना जाना भाई। अरे यार ये अच्छा लड़का है, मैं नहीं बना रहा भाई तेरी वीडियो, तू जाना लिप लेना थोड़ा सा। मैं तो आगे जाके फ्री में, फ्री में कुछ भी। अरे फ्री में अच्छी बात है, जो वो कर रहा है भाई तू। गाइस देखो हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली खत्म, क्रंचेस मारे, पुशअप्स मारे, मारे हैं हमने कम से कम 200 रस्से कूद दिए। ठीक है 200 रस्से कूदे, 200 रस्से कितने? 200 हाँ ठीक है, तो 200 रस्से कूद डाले हैं और बेहतर अब जा रहे हैं घर। घर जाके अपना काम धंधा करेंगे, उसके बाद अपना सेकंड टास्क करेंगे जो कि है हमारा पढ़ाई, और उसके बाद पानी पीने वाला, एक बॉटल और बची है उसको ख़त्म करना है। अब जाके हम करेंगे अपना सेकंड टास्क पूरा। भाई 12 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं सोने। हमने अपने सारे टास्क कम्प्लीट कर लिए, पानी पीने वाला, वर्कआउट का और डाइट का, और साथ ही में बुक रीडिंग वाला भी। ठीक है बुक रीडिंग मैंने अभी करा है, जस्ट अभी स्टार्ट करा है बुक जो कि फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है और मैं पहले वो जो पब्लिक स्पीकिंग वाली पढ़ रहा था उसमें मेरे को अल्ले पल्ले ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी अब मैं फॉरेक्स मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस रिगार्डिंग मैंने पहले भी जो है बुक्स पढ़ी है, इन मार्केट को थोड़ा बहुत समझा भी हूँ। ओके मार्केट को थोड़ा बहुत समझा भी हूँ, तो उससे मेरे को थोड़ा सा जो है बुक समझ में आ रही है। तो अभी और बढ़ रहा हूँ मैं इस बुक को, और बढ़ते जाऊँगा और इसको ख़त्म करके देखेंगे क्या चीज़ अपन गेन कर सकते हैं। और साथ ही मुझे श्री राम, आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं, बहुत बुरी टाइमिंग चल रही शिफ्ट की, कल सुबह फिर मिलते हैं अपन एक नए ब्लॉग के साथ।